सो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिस वीडियो का आप लोग को बेसब्री से इंतजार था वो दोस्तों वीडियो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नवादा से लेकर तिलैया जंक्शन तक का दोहरीकरण लाइन का, इसका फुल अपडेट्स मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जो पार्ट 6 ये वीडियो है नवादा से तिलैया जंक्शन तक का। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दोहरीकरण लाइन का जितना भी सारा चीज़ हो रहा है काम, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। प्लस मैं इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क का कार्य भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो काफी धांचू होने वाला, जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए अभी से एक लाइक, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत से मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बनाया। और दोस्तों, कोई भी जिससे ये वीडियो न्यू देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लखीसराय से लेकर गया तक का जो जितना डबलिंग का कार्य हो रहा है, दोहरीकरण का लाइन जो बीच रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हो रहा है, तो दोस्तों मैं उसका वीडियो मतलब ऑलरेडी 5 पार्ट में उस आप हमारे YouTube चैनल पर मतलब अपलोड कर दिए। दोस्तों, पहले वो वीडियो जाकर आप देख ले, तब ये वीडियो देखे तब और आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, होम पेज पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। या तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप जाकर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप के देखिए एंड तक ले। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत सारा चीज़ बताने वाले हैं। और दोस्तों, अभी देख सकते हैं ये जो ट्रेन है, ये हावड़ा गया एक्सप्रेस ट्रेन है। और दोस्तों, यहाँ से नवादा से खुलने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये पार कर रही है। अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा पुल पड़ता है यहाँ पर, छोटा सा नहीं दोस्तों, काफ़ी तो बड़ा देख सकते हैं यहाँ पर ये पुल पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर से ट्रेन काफ़ी स्पीड में भी जा रहा है। दोस्तों, ये पुल इतना देर के बाद खत्म हुआ है, तो दोस्तों पुल काफ़ी बड़ा भी है। हो सकता है दोस्तों इधर जो पटरी बिछेगा तो इसी पर मतलब पटरी बिछेगा तो इसी पर हो सकता है कि मतलब एक और पुल बना जाए तभी दोस्तों, क्योंकि दोहरीकरण का लाइन का जो दोस्तों कार्य होगा तो इधर जो है पुल एक बनाना पड़ेगा तभी जाकर। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो दोहरीकरण जो लाइन बिछेगा दोस्तों वो इधर साइड से ही बिछेगा। मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलकर। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए इंटरव्यू देखिए दोस्तों, तभी आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसी पट्टी, देख सकते हैं इसी में जो साइड है उधर से ही पट्टी बिछना स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है ये जो है देखिए कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पर नवादा से ट्रेन खुलने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका नज़ारा है। और चलिए दोस्तों, आगे अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे कुछ इस प्रकार से अभी बना है। अभी दोस्तों जो है आगे में जो है देख सकते हैं कुछ भी मतलब मिट्टी को मतलब नहीं यहाँ पर गिरा गया है। और दोस्तों, इतना दूर आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी को गिरा दिया गया है, यहाँ पर समतल किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं समतल करने के बाद इस पर गिट्टी वगैरह बिछाया जाएगा, फिर दोस्तों पॉल इस पर बिछाया जाएगा, फिर इस पर पट्टी को बिछाया जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का जो वर्क होगा दोस्तों उसका जो गड्ढा खोद कर पॉल करेगा, फिर इलेक्ट्रिक वायर को खींचा जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अभी काम हुआ है नवादा और तिलैया जंक्शन के बीच। तो दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कुछ बताना बाकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप के दोस्तों इन तक ले देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी इंजॉय कीजिए, आगे चलकर अभी और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बालू को बिछाया जा रहा है, शायद लगता है गंगा जी का बालू है। दोस्तों देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में ये दोस्तों बालू है, काफ़ी दोस्तों देख सकते हैं गंगा जी की तरह ही मिलता जुलता बालू मतलब नज़र आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी दूर तक ले बिछाया गया। दोस्तों देखिए कहाँ तक ले बिछाया गया, देखिए वीडियो में आपको सारा चीज़ पता चलेगा अभी। We'll be right back.
दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है, देख सकते हैं रोलर से किस प्रकार से यहाँ पर प्लान किया जा रहा है। इस देख सकते हैं एरिया को, यहाँ पर जो भी जो समतल एरिया है उसको रोलर से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मिलाया जा रहा है, उसको अब प्लान किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अभी और भी कुछ बताना है, आगे देखते रहिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी मिट्टी को मतलब गिराया जा रहा है, यहाँ पर जो है मिट्टी नहीं अभी भराया था। सो दोस्तों देख सकते हैं मिट्टी को और भी यहाँ पर भरेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा हॉल्ट पड़ता है, दोस्तों देख सकते हैं ये हॉल्ट भी दोस्तों देख सकते हैं छोटा सा एक हॉल्ट पड़ता है, और हॉल्ट को देख सकते हैं क्रॉस करते हुए दोस्तों यहाँ पर से ये ट्रेन जा रही है। सो देख सकते हैं दोस्तों अभी जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर काम हुआ है नवादा और तिलैया जंक्शन के बीच में। और दोस्तों ये जो बालू देख रहे हैं ये यहाँ पर गिराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, भी बहुत ही देखने को मौका मिलेगा, बहुत ही मज़ेदार सीन। तो दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं जेसीबी द्वारा यहाँ पर काम को कंटिन्यू किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है काम स्लो ही स्लो हो रहा है, बट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू हो रहा है, और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी जो है आगे चलकर भी हुआ है, और आगे कितना हुआ है नहीं हुआ है मैं आपको वो भी सारा चीज़ दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और दोस्तों वीडियो को अभी से कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं करते और दोस्तों वीडियो देखकर चले जाते हो। खैर कोई बात नहीं यार, वीडियो को कमेंट कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ आगे चलने के बाद भी दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिल रहा है, यानी तरह तरह पर मतलब जगह जगह पर दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से काम अभी चल रहा है। सो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं, दोस्तों देख सकते हैं जेसीबी द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है काम को। देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पुल भी बना रहा है। तो दोस्तों पुल को रेडी कर लिया जाएगा, तभी दोस्तों यहाँ पर पट्टी को बिछाया जाएगा। तो चलिए अब आगे देखिए वीडियो में। और देख सकते हैं यहाँ पर भी एक पुल को तैयार किया जा रहा है। जब तक ले दोस्तों ये पुल जब तैयार नहीं होगा तब तक ले यहाँ पर मतलब लाइन को नहीं बिछाया जाएगा। सो देख सकते हैं यहाँ पर लाइन को मतलब बिछाने के लिए ये पुल का तैयार होना बहुत ही जरूरी है। सो देखिए दोस्तों अभी हॉल्ट क्रॉस कर रहा है, आगे चल के देखिए अभी और क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ आगे चलकर दोस्तों इस प्रकार से देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पर भी यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से अभी काम हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर जो है अभी मिट्टी को भरा जाएगा, इसको भी समतल एरिया पर मतलब बनाया जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर पट्टी को बिछाया जाएगा। अभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ खास काम नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये कहाँ तक ले रहता है, आगे चलकर देखिए अभी क्या होता है नहीं होता है। Thank you.
सो गाइस वहां से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से निकलने के बाद यहां से देख सकते हैं यहां पर इस प्रकार से बिछ रहा है, काम हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बिछा दिया गया है। सिर्फ इस पर गिट्टी बालू को जितना भी होगा सारा चीज़ को बिछा कर उसको रोलर को चलाया जाएगा और उस पर से फिर गिट्टी को बिछा कर उसके पोल को बिछाया जाएगा, उसके बाद फिर पोल को बिछाने के बाद पटड़ियों को बिछा दिया जाएगा। तो देखिए अभी हम तिलैया जंक्शन पहुँचने वाले दोस्तों, देखिए अभी कहाँ तक ले क्या चीज़ हुआ है, मैं आपको और भी सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंटरली देखिए। दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है, दोस्तों देख सकते हैं ये ब्रिज बन रहा है यहाँ पर भी। चलिए दोस्तों वीडियो को देखिए। सो दोस्तों हम फाइनली देख सकते हैं तिलैया जंक्शन पहुंच गए, और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पहुंचने के बाद आप लोगों ने देखा खुद से कि कितना काम हुआ नहीं हुआ है। दोस्तों ईस्ट इंडियन रेलवे एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि दोस्तों न्यूज के साथ साथ आप लोग को वीडियो भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों ऐसा आपने कहीं चैनल देखा होगा कि आपको मतलब वीडियो के साथ साथ आपको न्यूज भी देता है, तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे ख्याल से तो उतना नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं आपके प्यार पाने के लिए। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए तिलैया जंक्शन से और भी है कि नहीं, दोस्तों ये हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएगा। और दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कोई भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे जो इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा। और दोस्तों इस वीडियो का लाइक है 100 लाइक, तो 100 लाइक फटाफट पूरा देना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।